जो सामने एक स्क्रीन लगी हुई है, यहाँ से आप ट्रेन जो है। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। माय नेम इज़ विकास मवादी। आई होप यू आर एब्सोल्युटली फाइन गाइस। तो अभी जैसा आप सबको पता है, हम हरिद्वार में ही थे। तो आप सबको हरिद्वार का जो रेलवे स्टेशन है वो मैंने किसी भी वीडियो में नहीं दिखाया, तो इसलिए सोचा मैंने आपको कि मैं आपको हरिद्वार का रेलवे स्टेशन दिखा दूँ। थोड़ा सा यूनिक है, इसलिए मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। थोड़ा सा अच्छा बना हुआ है और ये जो है मंदिर की तरह ही लगता है रेलवे स्टेशन। जैसा कि आपको अलीगढ़ का रेलवे स्टेशन है या फिर लखनऊ का रेलवे स्टेशन है, ये थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं। हमारे मुरादाबाद का तो बिल्कुल ही अलग है, मतलब सिंपल सा है, मतलब अच्छा है, लेकिन ये जो है इसकी कला है वो थोड़ी डिफरेंट है। तो इसलिए मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। वीडियो में बने रहिएगा एंड तक। अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर करें। और हमारे साथ ट्रेन एडवेंचर से पीयूष भाई, और पूरा आज हमने जर्नी निपटा ही दी है। राम राम दोस्तों, राम राम। तो पीयूष भाई बताओ, फिर चलें अंदर? हाँ, अंदर चलते हैं, स्टेशन एक्सप्लोर करते हैं बढ़िया करके वो भी, क्योंकि स्टेशन और ट्रेन के बारे में आपसे अच्छा तो कौन जान सकता है। हाँ, मतलब मेरी नॉलेज में। हाँ, मतलब ठीक है, विकास भाई का प्यार है, उन्होंने इतनी बात कह दी। चलो चलते हैं। 12,000 तक का सफर ऐसे थोड़ी ना कंप्लीट कर लिया। सही बात है, मेहनत तो लगी है। मेहनत तो लगी है। तो भाई जैसे ही मेन गेट से अंदर को आएंगे, और इसमें मेन गेट गेट नंबर तो अभी नहीं पड़े हैं, लेकिन इसमें 3 से 4 मेन गेट देखने को हमें अभी मिल रहे हैं। ये है एक गेट, और एक ये सामने दो, और एक इससे आगे है। और हम जो है वो इधर से आए हैं, क्योंकि इधर से एंट्री हो रही है। ये पुराना गेट था, सामने ही आप देख रहे होंगे। और इस साइड में ये हरिद्वार रेलवे स्टेशन है, और इस साइड आगे जो है वो मेन स्टेशन कहना चाहिए, मतलब ये पूरा स्टेशन है। बाकी अंदर चलते हैं, और बाहर शंकर जी की जो है मूर्ति आपको देखने को मिलेगी। और एक ये है, अभी बन ही रही है, नहीं नहीं, तो काफ़ी अच्छी बात है ये। तो अभी शिव जी पे हमारे पेंट नहीं हुआ है, और अगर पेंट हो जाएगा तो कसम से मज़ा ही आ जाएगा, क्योंकि बहुत ही यूनिक तरीके से बनाया गया है इसको। देख सकते हो, सामने से दिखाता हूँ अभी आपको और अच्छे से। वाह, बराबर में, मतलब ये जो एक स्टैचू बना है इसके जस्ट बराबर में एक शंकर जी की और स्टैचू लगी है, और ये केवल से वो पूरी स्टैचू थी। तो आप ये देख सकते हो, सीन कुछ ऐसा है। वाह, जय बोले की। गाइस देखिएगा, भीड़ कुंभ की वजह से कुछ इतनी है। हाँ, थोड़ी सी भीड़ पड़ती है। हाँ, थोड़ी भीड़ पड़ रही है। सामने देख रहे हैं यहाँ पर की। और बाकी अभी स्टेशन अंदर चलने ही वाले हैं हम, क्योंकि धीरे धीरे आ रहे हैं, काफ़ी थक गए हैं। रात हो चुकी है, और हमारी है जनता एक्सप्रेस हरिद्वार से मुरादाबाद के लिए। मुरादाबाद से हरिद्वार वाला ब्लॉग अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं, मैंने वीडियो बना रखी है। तो गाइस सामने ही है हमारा रेलवे स्टेशन, कुछ इस तरह से दिखता है, और अभी मैं रुक के आपको दिखाता हूँ, एक सेकंड। तो गाइस देख सकते हो, अब ये प्यारा सा लग रहा है, बहुत ही शानदार। और मेन यही है, बाकी उधर जो है अपना सीट टिकट वगैरह मिलता है सामने, जो आप देख रहे होंगे। और अभी काफ़ी अंधेरा हो गया है, तो सामने पीयूष भाई हमारे जाते हुए, हम चल रहे हैं टिकट काउंटर की तरफ। बिल्कुल, टिकट काउंटर की तरफ चलते हैं, हालांकि हमारा तो रिजर्वड है। हाँ, टिकट ही चल रहा है समय। बिल्कुल, सामने काफ़ी सारे होटल हैं, जैसे होटल सचिन इंटरनेशनल के नाम से, और भी बहुत सारे हैं, होटल अशोका, और बहुत सारे होटल हैं, जैसे कि आपको स्टेशन के सामने हर जगह, मतलब हर शहर में मिल ही जाएंगे। तो इससे बढ़िया बात क्या होती है, आप यहां से बुक कर सकते हैं जाके भी, और आप ओयो से, अगर ओयो यूज़ करते हैं तो आप ओयो से भी बुक कर सकते हैं। और जो सामने एक स्क्रीन लगी हुई है, यहां से आप ट्रेन जो है अपनी देख सकते हैं। और बाकी ये है कुछ इस तरह का, जहां से आप टिकट बुक करा सकते हैं, मतलब बाकी जानते ही, अंदर देखते हैं कैसा सीन शॉट है। और लोग अभी लगे हुए हैं लाइनों में, लाइनें थोड़ी कम हैं, और सभी कुछ खाली है, क्योंकि विदाउट रिजर्वेशन के आप यात्रा नहीं कर सकते हैं अभी, मतलब आज की डेट में, 14 जनवरी की डेट में आप तो नहीं कर सकते हैं, बाकी आगे का पता नहीं। शौचालय भी हैं, महिला एंड पुरुष दोनों। तो कुछ इस तरह का सीन है, काफ़ी कम भीड़ भाड़ है, मतलब काफ़ी कम ही, क्या भीड़ ही नहीं है, कुछ ही लोग हैं बस। भाई चलते हैं अभी अंदर, और हम आ गए हैं जहाँ टिकट वगैरह बनता है वहाँ से, और हमारे पास टिकट है ऑलरेडी, ये है हमारे हाथ में, हमने प्रिंट निकाल लिया, IRCTC से बुक किया था पीयूष भाई ने, जो अभी हमारे साथ चल रहे हैं। और यहाँ पे आई थिंक टिकट चेक कराना है हमें, लाइन लग रही है, और टिकट चेक कराने के बाद ये एंट्री मिलेगी।
जैसा कि आप सबको हमने पहले भी बता दिया था मुरादाबाद टू हरिद्वार वाले ब्लॉग में, और बाकी ये केवल हरिद्वार का रेलवे स्टेशन है, कैसा है अंदर का सीन वो सब दिखाएंगे इसमें हम। गाइस हमने एंट्री कर चुके हैं अंदर और टिकट हमारा चेक हो चुका है, तो काफ़ी अच्छी बात है ये। तो गाइस प्लेटफॉर्म बन पे हम आ चुके हैं और भीड़ काफ़ी है, मतलब जैसे देखा जाए जनता आ रही है और जनता आ रही है। तो गाइस आप सीन ऐसा देख सकते हो स्टेशन का, अभी हम प्लेटफॉर्म नंबर 1 है पे हैं और 1 का कुछ शॉर्ट सीन ऐसा है। तो काफ़ी अच्छी लाइटिंग है और काफ़ी सुंदर डेकोरेट है, जैसा मुरादाबाद वाला है सेम वैसे ही लग रहा है, थोड़ा सा इसमें कलर चेंज है, रेड रेड कलर दिख रहा है। सो गाइस अभी हमारी इसी जो है प्लेटफॉर्म पे आ रही है जनता एक्सप्रेस, और अभी हम आगे प्लेटफॉर्म 2, 3, 4 वो कवर नहीं कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि जनता एक्सप्रेस वाले जो भी यात्री हैं वो इधर ही रहेंगे, उधर पुलिस वाले जाने नहीं दे रहे, मतलब जाने नहीं दे रहे, तो इसलिए फ़ायदा भी कुछ नहीं है, नियम का उल्लंघन करना ठीक नहीं है। हाँ, रेलवे जो ये हमारा स्टेशन है हरिद्वार वाला, और तो पीयूष भाई कुछ बता रहे हैं इसके बारे में। हाँ, तो रेलवे स्टेशन यहाँ बहुत बड़ा है, मुरादाबाद से तो बड़ा ही है, क्योंकि मुरादाबाद पर आपको 7 प्लेटफॉर्म देखने को मिलते हैं और यहाँ पर आपको 9 प्लेटफॉर्म देखने को मिल जाते हैं, जो कि अपने आप में 2 प्लेटफॉर्म एक्स्ट्रा हो जाते हैं। और लेकिन हाँ, यहाँ पर ट्रेनों का स्टॉप कम है, क्योंकि मोस्टली ट्रेन यहाँ से ऑरिजिनेट होती हैं या फिर टर्मिनेट होती हैं, तो लगभग अभी आपको 46 ट्रेनें देखने को मिल जाती है जब से कोरोना वायरस आया है, और उससे पहले लगभग 54 ट्रेन का स्टॉप था और 19 ऑरिजिनेट और 19 ही टर्मिनेट होती थी, तो मतलब ठीक है। लेकिन बड़ी बात यह है कि आपको ऑल ओवर इंडिया ट्रेन मिल जाती है, यहाँ से आप कहीं भी जा सकते हैं पूरे भारत में यहाँ से। बिल्कुल, तो गाइस ये जानकारी आपको पसंद आई होगी, और ट्रेन एडवेंचर से हैं, इनका चैनल चेकआउट आप कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और बाकी इस वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं, क्योंकि हम आगे तो जा नहीं सकते, क्योंकि आप पीछे दो और तीन प्लेटफॉर्म देख सकते हो, प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3, 4 आगे 5 नो प्लेटफॉर्म है, किसी पे भी भीड़ नहीं है, क्योंकि इस पे आ रही है हमारी जनता एक्सप्रेस, तो इसलिए भीड़ है, उधर जाना भी ठीक नहीं है। तो गाइस आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि मैं इस टाइप की व्लॉग्स वीडियो अपने चैनल पर लाता रहता हूं। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर, लव यू ऑल। तो गाइस हमारी ट्रेन आ चुकी है अपने एग्जैक्ट टाइम आई थिंक, और बाकी आप सामने देख सकते हो गाड़ी आ चुकी है, जनता एक्सप्रेस जिससे हम आए थे उससे हम जा रहे हैं, वो सारी वीडियो आपने देख ली होंगी। और D5, D4, D3, A1 S7